दीपों से राह को भर देने से क्या फायदा जब मन में अंधकार हो। असली रोशनी तो तब आती है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, अपने परम रूप को पहचान के अपने सबसे बेहतरीन रूप से इस दुनिया को रोशन करते हैं। आप खुद ही रोशनी बन जाते हैं जो स्वयं और दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने के काबिल हो। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं और अपने अतीत के अंधकार को हमेशा के लिए छोड़ के आगे बढ़ने की पहल करते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, हाथों को गोद में रख लें, अंगूठों के छोरों को आपस में जोड़ें, कमर सीधी रखें और चेहरे पर एक मन से मुस्कान ले आएं। एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग तक ले जाएं। कुछ पल इस सांस को रोकें और अब सांस को मुंह से छोड़ते हुए देखिए कि शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आसानी से शरीर के बाहर जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस भरें। अब सांस को मुंह से छोड़ते हुए सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर जाने दें। किसी भी तरह की रुकावट अगर शरीर में हो तो उसे अब खुल जाने दें। पुराने कर्मों, पुराने ख्यालों और पुराने विचारों की जो भी ऊर्जा शरीर के किसी भी हिस्से में अटकी हो उस तक सांस खींचें और उसे अब खुलने दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और अब मुंह से सांस छोड़ें। अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं। पैरों के अंदर किसी भी तरह की थकान हो तो उसे महसूस करें और अब सांस छोड़ते हुए पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे वो धरती की तरफ गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लेकर देखिए सारी ऊर्जा आपकी छाती में, कमर में, कंधों के बीच में भर गई है और किसी भी तरह की रुकावट आपके दिल में, आपके हृदय चक्र में महसूस हो रही हो, कोई भारीपन आपको महसूस हो रहा हो तो अगली सांस छोड़ते हुए उसे शरीर से बाहर जाने दें और देखिए कि ये हिस्सा भी धीरे धीरे पिघल रहा है, धरती की तरफ गिरे जा रहा है, बिल्कुल ढीला होता जा रहा है। अपने बाजुओं का वजन महसूस करें, देखिए कि कितने भारी हो रहे हैं हाथ, कि वो भी धरती की तरफ गिरे जा रहे हैं, बिल्कुल स्थिर होकर गिरे जा रहे हैं, पिघल रहा है सारा तनाव इस हिस्से का। ध्यान अपनी गर्दन पर, गले पर, जबड़े पर ले जाएं। दांतों को ढीला छोड़ दें, भीचे नहीं जबड़े को, और देखिए कि एक खुलापन सा शुरू हो चुका है आपके चेहरे में, कि इस विश्व का सारा प्रकाश अब आपके चेहरे में समा सकता है। आपका गला खुल चुका है, किसी भी तरह के विचार जो आपने दबा लिए थे अब खुल के एक मधुर वाणी में दूसरों तक पहुंच सकते हैं। कोई भी तनाव आपके गले में हो वो अब पिघल रहा है। गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर ध्यान दें, पूरी तरह से ढीला होता जा रहा है। सर के ऊपर एक सुनहरा प्रकाश छा रहा है और ये धीरे धीरे आपके सर के ऊपर से आपके भावों में आ रहा है। यहाँ उतरकर ये आपके आज्ञा चक्रा को प्रकाशित कर रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश अब आपके गले में उतर के आपकी वाणी को प्रकाशित कर रहा है कि आप जो भी बोलें वो दूसरों के काम आए, उनको ज्ञान दे और आप अपनी बात बहुत ही साफ तरीके से दूसरों तक प्रेम पूर्वक पहुंचा सकें। देखिए कि अब ये प्रकाश धीरे धीरे आपके हृदय चक्र में उतर रहा है
जहां भी रोशनी होगी अंधकार स्वयं ही छट जाता है। अंधकार से दूर होने के लिए हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रकाशित होने की जरूरत है। ये रोशनी अब यहाँ पर आ चुकी है। उन सब लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपके साथ गलत किया, और उन लोगों से माफी मांगे जिनके साथ आपने गलत किया। हम सब अपनी इस यात्रा में नई नई चीजें रोज सीख रहे हैं। हम में विवेक की कमी होने के कारण हम एक दूसरे को निरंतर दुखी कर रहे हैं। तो अब इस भावना को यहीं पर खत्म करते हुए इस दिव्य प्रकाश को आपके हृदय चक्र को उज्ज्वलित करने दें, और देखिए कि खुल चुका है आपका हृदय पूरी तरह से। एक रोशनी आपके अंदर भर चुकी है जो आपके दिल को, सारी दुनिया को एक नए तरीके से देखने का साहस दे रही है, दृष्टि दे रही है। इस नए तरीके से देखने के बाद दुनिया आपको खूबसूरत लगने लगेगी, और अच्छी परिस्थितियां खुद ही अपना रास्ता आप तक ढूंढने लगेगी। इस पूरी भावना को अपने अंदर बसा लीजिए, और अब धीरे धीरे हम इस भावना को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाते हुए वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, और अब इन्हें अपनी आंखों पर रखते हुए आंखों को खोलिए।